1949 की सीज फायर लाइन के अनुसार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके दो हिस्सों से मिलकर बना है। पहला हिस्सा आज के जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है और दूसरा लद्दाख का, जिसका नाम है गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान के साथ लगने वाला एक एरिया है जिसका नाम सक्षगम वैली या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है। 5300 स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका भी पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में था, लेकिन 2 मार्च 1963 को एक इलीगल सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तान ने इस एरिया पर चाइनीज सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली। या दूसरी भाषा में हम यूं कह सकते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान ने ये इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। बदले में चाइना ने गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की सोवरेनिटी एक्सेप्ट करके एक्चुअल ग्राउंड पोजीशंस के मुताबिक एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ काराकोरम पास के नॉर्थ वेस्ट में कुनलुन रेंज के अक्रॉस इंडिया के ट्रेडिशनल बॉर्डर को कॉम्प्रोमाइज किया, बल्कि चाइना को इनेबल भी किया कि वो ईस्टवर्ड्स लद्दाख में काराकोरम रेंज के अक्रॉस एक क्लेम लाइन को एक्सप्लोर करे, जिससे आगे चलकर इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का एक नया फ्रंट खुला।